दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वह सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी में होता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी में होता है, उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आप अक्सर यह सुनते ही होंगे कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, और जब हम किसी से उस अच्छी बुरी चीज के होने की वजह पूछते हैं तो वह लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उसके कर्मों का फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो यानी उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है इस वीडियो के जरिए, इस बात को हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, बोधि थिंक्स बाय यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक राज्य में एक राजा रहते थे। वह महान धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर के भक्त थे। उन्होंने एक बार अपने राज्य में ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक पंडित को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह पंडित महान सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना और ना ही कोई मांग करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसने राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 21 वर्ष गुजार दिए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। कुछ समय बाद राजा के यहाँ एक बेटा का जन्म हुआ। राजा ने उसे महान विद्वान बनाने का सोचा। उसकी शिक्षा के लिए बड़े बड़े राजगुरु राजा के पुत्र को शिक्षा देने के लिए आते थे। राजकुमार अब 21 साल के हो चुके थे। राजकुमार अब युवक बन चुके थे। राजा ने अपने बेटे के बड़े होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके वह राजमहल आ गए। राजकुमार और वह राजकन्या अब दोनों खुश थे। लेकिन एक रात रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह महल में इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या वह देखती है कि हीरे जवाहरात वाली एक तलवार रखी हुई। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। वह डर के मारे उसके हाथ से वह तलवार छूट गई और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह उसकी मृत्यु हो गई। राजकन्या अपने पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। वह खूब रोई और दुखी मन से उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? मेरे पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु मैं किसी को भी यह सच नहीं बता सकती हूं, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। सुबह जब पुजारी जी कुएं पर स्नान करने आए तो राजकन्या ने उसको देखकर जोर जोर से रोना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी कि मेरे पति को कोई मारकर चला गया। इतनी देर में सारे लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मेरे पुत्र को मारा है? वह राजकन्या कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। तुरंत राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो पंडित को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और राजा ने पूछा, तुमने राजकुमार को क्यों मारा? पंडित ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो उनके राजमहल में भी कभी नहीं गया और ना ही कभी देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी हैं। महाराज, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। हे पंडित की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह पंडित निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने पंडित से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तुम्हारा वह हाथ काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर पंडित बहुत पीड़ा हुई। वह कुछ दिन दुखी रहा और राजा को अधर्मी मानने लगा। उसके बाद उस राज्य को त्याग कर चला गया। वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध के हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि यहां से कुछ मिली दूर गांव में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह पंडित उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्म पत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य दुर्व शब्द कहे, जिनको सुनकर वह पंडित हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि
कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्व शब्द कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। बाद में वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। पंडित को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए पंडित जी कैसे आना हुआ? पंडित ने कहा, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं, इसका कारण क्या है? पंडित जी की बात सुनकर ज्योतिषी ने कहा, यह स्त्री मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई हो या पुत्र, शिष्य हो या पिता, गुरु संबंधी जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और यह भोगे बिना कटेगा नहीं अपना किया हुआ। जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है वही भोगना होता है। बिना भोगे तो सभी जन्मों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता, इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूं और अपनी पत्नी की शिकायत भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल भोगना बाकी ना रहे। पंडित ने पूछा, महाराज आपने क्या कर्म किया था? ज्योतिषी ने कहा, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं एक कुआ था और मेरी पत्नी एक हिरणी थी, और मेरा स्वभाव बहुत दुष्ट था, इसलिए वह जब भी वह जंगल में घास खाने जाती थी, तब मैं इसके शरीर पर चोंच मारकर इसे दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी परेशानी देखकर मैं बहुत खुश होता था। मेरे डर के कारण वह जंगल से बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह वहां जहां मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर दुखी होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां नदी के किनारे वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी छोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा, और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी पीठ की हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच नहीं निकली। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयत्न किया, मगर ना निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ देगा, ऐसा सोचकर यह नदी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल ना पाया। आखिर में यह घने प्रवाह में प्रवेश कर गई। नदी का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब नदी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं महान ज्योतिषी बना। अब वही मेरी पत्नी हुई जो अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा, इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूं। तब ज्योतिषी ने पंडित से कहा कि सब अपने कर्मों का ही बोलते हैं। तब ज्योतिष ने कहा कि हे पंडित जी, आपकी क्या समस्या है? पंडित ने अपना सब समाचार कहानी ज्योतिषी को सुनाई और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? मुझे वह पाप की सजा मिली है जो मैंने किया ही नहीं। तब ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। तब पंडित ने कहा, किस प्रकार? तब ज्योतिषी महाराज ने बताया कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गाय को मारने लगा, तब गाय बेचारी जान बचाकर तपस्वी के सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और तपस्वी पूछा कि इधर कोई गाय आई थी क्या? तपस्वी ने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा, अतः जिस तरफ गांव गई थी उस तरफ तपस्वी ने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर गांव को मार डाला। नदी के किनारे वह उसको ले जा रहा था, इतने में ही उस जंगल से शेर आया। गाय और कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला, एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को एक सरिये से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों अचानक तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। ज्योतिषी ने कहा, पंडित जी से कहा, तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप का कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है, इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं।
ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कर्म फल का भोग टलता नहीं। कितना सहज है यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो हम दुखी नहीं होंगे बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।